तो दोस्तों आज मैं आपको अपने कुछ वेरिएटेड प्लांट्स के कलेक्शन हैं वो आपको दिखाऊंगी। ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं और मैं इन्हें घर के अंदर ही रखती हूँ और ये बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं इनको ऐसी जगहों पे रखती हूँ जहाँ पर ब्राइट लाइट आए, जैसे खिड़की के पास, और क्योंकि वेरिएटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत जो है वो रोशनी की ज़रूरत तो होती ही है। आप इनको बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं रख सकते हैं, वरना इनका जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये प्लांट फिर इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसलिए आपने वेरिएटेड जो प्लांट्स हैं उनको किसी अच्छी रोशनी वाली जगह पर ही रखना है, पर आप इनको इंडोर रख सकते हैं और इनकी खूबसूरती से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये और बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। इस तरह से इसमें जो है ये पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं इनकी पत्तियों में, और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको अगर आप कटिंग नहीं करते हैं तो इसकी हाइट काफ़ी ऊँची हो जाती है, तो ये आपका 7-8 फीट तक भी चला जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। तो ये जो पौधा है इसका नाम आप इसको ड्रेसिना भी बोल सकते हैं और सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम से आप इसको बुला सकते हैं। और ये जो पौधा है ये मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक है, मुझे बहुत पसंद है ये पौधा। मैं इसको बिल्कुल छोटा सा, जैसे इसकी ब्रांच दिखाई दे रही है ना, ये वाली छोटी ब्रांच, इतना छोटा लेकर आई थी और एक दो बार जो है ये टूट भी गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है अभी ये इतना खूबसूरत हो रखा है। तो जो सबसे पहला हमारा पौधा है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर जो हमारा पौधा है वो है ये प्लांट। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन है इसकी पत्तियों में। ये जो प्लांट है हमारा वो एग्लोनीमा प्लांट है, एग्लोनीमा के ही फैमिली में आता है ये पौधा। इसका नाम है एग्लोनीमा मॉडेस्टम वेरिएटम। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इंडोर रहने वाला पौधा है, लेकिन फिर से बोलूँगी मैं आप लोगों को कि किसी रोशनी वाली जगह पर ही रखें इनको। और ये जो प्लांट है ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा पानी और शेडी एरिया में रखना है आपने और ये सालों साल आपके घर में ऐसे ही खूबसूरत बना रहेगा। तो सेकंड नंबर का जो हमारा पौधा है वो है एग्लोनीमा। उसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा प्लांट है वो है हमारा ये पीस लिली। ये पीस लिली जो है ये वेरिएटेड पीस लिली है। इसकी पत्तियों में ये इस तरह से वेरिएशन आता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो एक पीस लिली तो वो होता है जिसमें सिर्फ ग्रीन पत्तियां होती हैं, इसमें ये इस तरह का वेरिएशन आता है। तो ये जो पौधा है ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें फूल भी आते हैं सफ़ेद रंग के, जैसे पीस लिली में फूल आते हैं वैसे ही इसमें फूल आते हैं, और ये भी एक बहुत ही कम देखभाल को मांगने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जो अपनी खूबसूरत पत्तियाँ, खूबसूरत फूल दोनों ही बहुत खूबसूरत है इसमें। तो हमारा थर्ड नंबर का जो पौधा है वो है ये वेरिएटेड पीस लिली। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारा प्लांट है वो है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इनकी पत्तियों में भी खूब प्यारा सा बहुत सुंदर सा वेरिएशन होता है, और सिंगोनियम को भी बहुत ही कम देखभाल चाहिए, आराम से घर के अंदर इंडोर रहने वाला पौधा है, बाहर भी रह लेता है ये, बाहर भी शेडी एरिया में रह लेता है, बाहर शेडी एरिया में आपका सिंगोनियम भी रह लेता, सॉरी ड्रेसिना भी रह लेता है और बाहर पीस लिली भी रह सकता है। इसको थोड़ा इंडोर रखने की ज़रूरत पड़ती है, और अंदर और बाहर दोनों ही जगह रहने वाला हमारा जो पौधा है वो सिंगोनियम। ये बहुत सारी वैरायटियों में आता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, तो आप इसे भी अपने गार्डन में शामिल कीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि जो अधिकतर गार्डनर है उनके घर पे ये सिंगोनियम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है। उसके बाद
पांचवें नंबर पे जो हमारा पौधा है वो है ये एंजियोपोथोस। ये एंजियोपोथोस जो है मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा मुझे ये प्लांट लगता है। मनी प्लांट तो वैसे सारे बहुत सुंदर हैं, पोथोस बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन जो एंजियोपोथोस है इसकी तो बात ही कुछ और है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों में भी बहुत ही प्यारा वेरिएशन आता है, बहुत ही खूबसूरत। आप इसे हैंगिंग में लगा सकते हैं, आप इसे मॉस स्टिक में लगा के कहीं कॉर्नर पे रख सकते हैं, कैसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब तक मैंने जितने भी पौधे आपको दिखाए सारे जो है वो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इंडोर रहने वाले पौधे हैं। तो हमारे पांचवें नंबर का जो ये पौधा है वो है एंजियोपोथोस। तो छठे नंबर का जो हमारा पौधा है वो मेरा फेवरेट है और हाल ही में इसे मैंने अपने कलेक्शन में शामिल किया है। इसका नाम है सिंगोनियम मल्बो। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इसके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी पत्तियां हैं, बहुत ही प्यारा वेरिएशन है। और मुझे ये अब तक किसी नर्सरी में दिखाई भी नहीं दिया है, ये किसी एक कोई नर्सरी है वहाँ पे दिखाई दिया था, मेरे एक फ्रेंड है उनको दिखाई दिया था, तो फिर वो अपने लिए और मेरे लिए हम दोनों के लिए ही ले आए। और ये जो प्लांट है ये आपको मुझे लगता है शायद ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, या अगर आपके आसपास की नर्सरी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये काफ़ी सस्ता भी मिल गया था और बहुत ही खूबसूरत है। जब मैंने इसको किसी की वीडियो में देखा था तो मेरी इच्छा हो गई थी कि ये प्लांट मेरे पास भी होना चाहिए, और लकीली ये मुझे किसी एक नर्सरी में मिल भी गया और उन्होंने जो है मुझे दिया ये। तो मेरे फेवरेट वेरिएटेड प्लांट्स में से एक ये सिंगोनियम और एक ये वाला जो एग्लोनीमा है, ये मेरे फेवरेट हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और साथ साथ ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि डायरेक्ट सनलाइट से आप इसको बचाएं, शेडी एरिया में रखें, पानी का थोड़ा ध्यान रखें और बस ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी मैंने पौधे अब तक आपको दिखाए ये सारे के सारे लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, और साथ साथ जो है ये आपके इंडोर में आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इन पौधों के बारे में। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में नए प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। I begin to